मैं दीपिका मिश्रा आप सभी लोगों का बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 7 और क्लास 8 दोनों का जो हमारा चैप्टर 3 है वो एक ही चैप्टर है, शब्द विचार। तो दोनों का चैप्टर मैंने एक साथ शूट किया है क्योंकि इसमें दोनों में एक जैसा है, चीजें बहुत माइनर सा अंतर है, बस ये कि थोड़ा सा डेफिनेशन में अंतर है। तो मैं दोनों ही एक्सप्लेन कर दूंगी, दोनों ही बता दूंगी, इसलिए मैंने इस वीडियो को एक साथ शूट किया है जिसमें क्लास 7 और क्लास 8 दोनों का हिंदी 2 का पार्ट 3 शब्द विचार। देखिए, चित्रों के साथ लिखे वर्णों को ध्यान से पढ़ो। आपकी बुक में दो पिक्चर्स दी हुई हैं, दो चित्र बने हुए, एक है उपहार और एक है रेलगाड़ी। तो आप लोगों ने पहले की भी क्लासेस में पढ़ा है और मैं हर क्लास में आपको बताती हूँ कि जो हमारा शब्द है वो कई सारे वर्णों के, दो या दो से अधिक वर्णों से या फिर और भी ज्यादा वर्णों के मेल से बना होता है। तो जो उपहार है, उपहार को अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? छोटा उ प्लस प प्लस छोटा आ प्लस हा में बड़े आ की मात्रा प्लस बड़ा उपहा और रा, रा रा में हलन प्लस आ, ऐसे हमारा उपहार टूटेगा। और उसके बाद रेलगाड़ी हमारे किससे टूटेगी? रा में एक ही मात्रा मतलब ए प्लस ला, ला के बाद छोटा, गा में बड़े आ की मात्रा मतलब गा प्लस बड़ा, और रा में बड़ी की मात्रा, रा में रा प्लस बड़ी, रेलगाड़ी। आपने देखा कि इन वर्णों के अगर मिला दिया गया तो इनका एक शब्द बन गया। मतलब शब्द क्या होता है? शब्द वर्ण समूहों का ऐसा समूह होता है जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, जिसका कोई ना कोई एक निश्चित अर्थ होता है, उसे ही हम शब्द कहते हैं। अगर कोई भी ऐसा वर्ड जिसका कोई अर्थ नहीं निकले तो वो शब्द नहीं कहा जाएगा। जैसे आडा आपकी बुक में दिया है, तो आडा कोई शब्द नहीं है, लेकिन अगर हम बोले आम तो इसका एक मीनिंग निकल रहा है, आम एक खाने वाले फल का नाम। तो शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, या फिर हम इसको एक ऐसे जान सकते हैं, ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, या ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। जैसे विद्यालय, पक्षी, भिक्षु, रेलगाड़ी, उपहार आदि, ये हो गए हमारे एग्जाम्पल। अब देखिए शब्दों के भेद, शब्दों को कितने भागों में डिवाइड किया गया? शब्दों को निम्नलिखित आधारों पर चार भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और हमारा होता है रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर। इस तरह से चार भागों में डिवाइड किया गया है। क्लास 7 में पॉइंट्स पहले दे दिए, क्लास 8 में पॉइंट्स बाद में दे दिए गए, तो इससे कोई मैटर नहीं करता कि हम पहले कौन सा पढ़ रहे हैं, हमें चीजें समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब हम समझेंगे तत्सम। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम को अगर हम तोड़े तो वो टूटेगा तत् प्लस सम, मतलब तत् मतलब सम, और सम का मतलब होता है समान, मतलब उसी के समान, संस्कृत के समान। मतलब कुछ हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा से जो के क्यों एज इट इज हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, अश्रु, ग्रह, भ्रमर और मात्र, सूर्य, श्रृंगार, ये सब हमारे तत्सम शब्द होते हैं। फिर तद्भव शब्द क्या होता है? तत् और भव, अगर हम इसको तोड़ें तो तद और भव में टूटेगा। तद का अर्थ होता है उससे, और भव का अर्थ होता है होना, मतलब उससे होना। मतलब क्या होता है? जिन शब्दों को, जो संस्कृत भाषा के शब्द थे उन्हें हिंदी भाषा में ले लिया गया है लेकिन उनका रूप परिवर्तित हो गया है, उसे हम बोलते हैं तद्भव शब्द। जैसे अगर हम अग्नि को देखें तो आग, और वैसे ही अश्रु को देखें तो आशु, ग्रह को देखें तो घर, और भ्रमर को देखें तो भौरा। और जैसे इसमें दिया हुआ है आम मतलब आम, मात्र मतलब माँ माता, तो ये हो गए हमारे तद्भव, मतलब जो कि संस्कृत भाषा से ही उत्पत्ति हुई है लेकिन हिंदी में आकर के उनका रूप परिवर्तन हो गया, उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। देश शब्द क्या होते हैं? जो अपने देश की पुरानी बोलियों या हमारी जो भाषा है उससे हिंदी में आए हैं उन्हें हम देश शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, पगड़ी, कटोरी आदि, ये सब हमारे क्या है? देश शब्द हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है विदेश शब्द। विदेश शब्द क्या होते हैं? जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेश शब्द कहते हैं। जैसे अमीर, स्टेशन, कैंची, औलाद, कानून आदि, ये विभिन्न विभिन्न विदेशी भाषाओं से हमारे हिंदी में ग्रहण कर लिए गए, इसलिए हम इन्हें विदेश शब्द कहते हैं।
अब हम समझेंगे नेक्स्ट क्या है हमारा व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, गुण शब्द, यौगिक शब्द और योग गुण शब्द। गुण शब्द क्या होते हैं, जो शब्द परंपरा अनुसार प्रयोग किए जा रहे हैं, मतलब जो कि हम लोग मोस्टली बोलते हैं उन्हें बोलते हैं गुण शब्द, जो कि किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं उन्हें हम बोलते हैं गुण शब्द। गुण शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अरुण, तारा, कुर्सी, रोटी आदि, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे गुण शब्द। फिर यौगिक शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। यौगिक मतलब जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे अनाथालय, मिठाई वाला, धनवान आदि। और जैसे सहपाठी, विद्यालय, हिमालय, ये सब क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा योग गुण शब्द। योग गुण शब्द क्या होते हैं, ये भी बिल्कुल यौगिक के जैसे ही होते हैं, लेकिन क्या होता है ये किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं, जैसे इन्हें योग गुण शब्द कहते हैं, जैसे पंकज, चंद्रशेखर या पीताम्बर, यशोदन, लंबोदर, दशानन, ये सब क्या है हमारे योग रूप शब्द हैं, जो कि मतलब होते तो यौगिक के जैसे ही है लेकिन इनका जो ये अर्थ है ये विशेष अर्थ के लिए फेमस होते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध होते हैं, इसलिए हम इन्हें योग रूप शब्द कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। कौन कौन से, विकारी, नहीं सॉरी, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द क्या होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे चाय, भोजन आदि, मतलब ये इनका कोई ना कोई अर्थ होगा उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। फिर निरर्थक शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता लेकिन ये सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग में ले लिए जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं निरर्थक शब्द। जैसे वाला भर कहते हैं ना, रोटी वोटी, खाना वाना, तो ये क्या होगा, निरर्थक शब्द, लेकिन ये सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं। अब देखिए जो सार्थक शब्द होते हैं उन्हें भी निम्नलिखित आधारों पर डिवाइड किया गया, निम्नलिखित आधारों पर विभाजित किया गया, कौन कौन से, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। एकार्थी शब्द क्या होते हैं, एकार्थी शब्द क्या होते हैं, जो कि केवल एक ही अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे कुर्सी, जनवरी, निंदा, वृक्ष आदि, ये हो गए एकार्थी शब्द। फिर अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं इसलिए हम उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अर्थ, अर्थ का मतलब होता है धन और अर्थ का मतलब होता है अभिप्राय, जैसे हेतु, कनक, कनक का एक अर्थ होता है सोना, एक अर्थ होता है धतूरा और एक अर्थ और होता है गेहूं, तो ये क्या होंगे, अनेकार्थी शब्द, मतलब जो अनेक अर्थों का बोध कराते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। फिर पर्यायवाची क्या होते हैं, पर्यायवाची एक समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे जल, जल का पर्यायवाची क्या होगा, पानी, नीर, तोय, और माता, माता का पर्यायवाची क्या होगा, अम्मा, अम्बा, जननी, माँ, माता, कुछ भी हम लोग मतलब बच्चे प्यार से मम्मा ये सब बुलाते हैं तो ये हो गया माता के पर्यायवाची, मतलब पर्यायवाची क्या हुआ, जो एक समान अर्थ देते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फिर विलोम क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं, जैसे रात दिन, सुबह शाम, आकाश पाताल, अमृत विष आदि, ये सारे क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट जो है वो है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हम शब्दों को दो भागों में विभाजित करते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं विकारी शब्द और एक होते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द वे शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो अविकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक, ये होते हैं हमारे अविकारी शब्द। बच्चों ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। आप इस चैप्टर को अगर वीडियो आपने देख ली है तो अच्छी बात है, देखने के बाद आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद इसमें कुछ सूची दी हुई है तत्सम तद्भव शब्दों की, उन्हें आप अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद में आप लोगों को जो बुक एक्सरसाइजेस हैं आप बुक एक्सरसाइज में करिएगा, जो आपके नोट्स हैं वो आप अपने रजिस्टर में करिएगा, आपके सारे नोट्स स्कूल मित्र पर अपडेट कर दिएगा, आप वहां से अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा। अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।